मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। ओम शांति। अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो जाएं, देखें स्वयं को, इस कर्म क्षेत्र से ऊपर अपनी अनंत सत्य स्वरूप में, परम धाम में, ब्रह्मलोक में शिव बाबा के साथ मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में मास्टर सुख सागर, शांति सागर, संपूर्ण पवित्र स्थिति में बाप समान ज्योति स्वरूप में स्थित हूं। ये मेरा सत्य स्वरूप है, अखंड स्वरूप। मैं आत्मा अपने सनादि स्वरूप से इस कर्म क्षेत्र पर अपने अंतर के गुणों को पंच तत्वों द्वारा व्यक्त करने स्वर्णिम युग सतयुग में आ गई हूँ। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। देखें स्वयं को, अपने आदि स्वर्णिम स्वरूप में, जहां प्रकृति के पंच तत्व अपने खूबसूरत दृश्यों द्वारा मेरा स्वागत कर रहे हैं। मैं प्रकृति पति स्वराज अधिकारी, सुविश्वराज्य अधिकारी, भ्रुकुटी सिंहासन के साथ साथ इस राज्य सिंहासन पर स्थित ताज, तख्त और तिलक को धारण कर इस स्वर्णिम दुनिया की अधिपति हो मैं। परम पवित्र सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी सर्व मर्यादाओं में पुरुषोत्तम अहिंसा परम धर्म को स्वयं में धारण किए
सुख और शांति की इस दुनिया में। इस स्वर्णिम दुनिया में अपने इस सुखद स्वरूप में स्थित हो, महसूस करें इस परिवर्तित दुनिया को, देखें जहो और भक्तों के दृश्य को और स्वयं को, जिसकी ओर चारों ओर सर्वभक्त उम्मीद की दृष्टि से, प्राप्ति की दृष्टि से आरतियों द्वारा, जयकारों द्वारा पुकार रहे हैं। चारों ओर शंखनाद बज रहे हैं। गीत और संगीतों द्वारा, इन आवाजों द्वारा सर्वभक्त अपने अंतर को भरपूर करने की आशा से मेरी ओर निहार रहे हैं। मैं इस जड़ मूरत के माध्यम से सर्वभक्तों की मनोकामनाओं को अपने दृष्टि से, अपने प्रकंपनों से पूर्ण कर रही हूँ। और शिव बाबा सर्व को साक्षात्कार द्वारा तृप्त कर रहे हैं। भक्ति का ये युग, द्वापर युग और कलयुग, तत्पश्चात देखो ये है हीरक युग, जहां स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा इस धरती पर अवतरित हो हमें अपना बच्चा बना रहे हैं। हो गई अपनी पाली,
बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा हमें अपना बच्चा स्वीकार किया। मेरा पुरुषोत्तम हीरे तुल्य ये जन्म स्वयं ब्रह्मा मुख से हुआ है। देखो शिव बाबा अपनी सर्व शक्तियों से मुझ आत्मा को अपने समान शक्तिशाली और पवित्र बना रहे हैं। देवत्व की ओर अग्रसर है मेरा ये जीवन। मुझे इस दुनिया से अलग कर लाइट और माइट स्वरूप में फरिश्ता बना रहे हैं। महसूस करें अपने इस फरिश्ते स्वरूप को। अपने अंतर के शुभ भावनाओं और शुभ कामनाओं के वाइब्रेशंस को और इस भूमंडल के ऊपर चलकर पहुंच जाएं सूक्ष्म वतन में, लौटा दें अपनी सर्व शक्तियों को सर्व भूमंडल पर, सर्वात्माओं पर। ये मेरा अनंत बेहद स्वरूप फरिश्ता स्वरूप है। मैं इन पांचों स्वरूपों के सर्व अनुभवों को स्वयं में समाए अनंत शक्तियों और गुणों से सुसज्जित अनंत अखंड संपूर्ण आत्मा
श